नमस्कार, भारत समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू लखनऊ पहुंची है। इस दौरान लोकभवन में एनडीए के विधायकों और सांसदों के साथ उनकी बैठक जारी है। इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल समेत तमाम लोग मौजूद हैं। आपको बता दें कि इससे पहले द्रौपदी मुर्मू का लखनऊ एयरपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य समेत बीजेपी के सभी दिग्गजों ने स्वागत किया। तो देखिए, चार तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुर्मू का अभिवादन किया गया है। एनडीए की जो बैठक है, सीएम योगी ने उससे पहले उनका सम्मान किया और तमाम जो एमपी एमएलए हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। और उससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर वो पुष्पांजलि अर्पित की है। द्रौपदी मुर्मू ने, और ये देखिए तस्वीरें, एनडीए की बैठक से पहले देखिए उनका सम्मान किया गया। और देखिए राम मंदिर का जो एक प्रतीक चिन्ह है उसको भेंट किया गया सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा। तो लोकभवन में ये बैठक जो है, एनडीए के तमाम जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनके साथ बैठक लगातार जारी है। द्रौपदी मुर्मू एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है। लोकभवन में बैठक लगातार जारी है सांसद और विधायकों के साथ। उससे पहले की तस्वीरें देखिए किस तरह से तमाम जो सांसद हैं, विधायक हैं, वहां पर मौजूद हैं और उन्हीं के साथ संवाद करेंगी द्रौपदी मुर्मू और उनसे वोट मांगेंगी, आज उनसे समर्थन मांगेंगी। और अगली खबर का रुख